India had a slightly frustrating start to the day when Dom Bess and Jack Leach continued to bat time. They also took the odd risk at times to fetch a few boundaries to prolong the inevitable. Virat Kohli finally decided to take the new ball, which they could have taken right. टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। भारत को पहला झटका 19 रन के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में लगा। वे 6 रन बनाकर आउट हुए। कैसा लगा दोस्तों आपको ये? आपने देखा होगा कैसे मोबाइल फोन में हमने एक भाषा को सिलेक्ट किया, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो जब इंग्लिश आया तो इंग्लिश में रीड करके सुनाया आपके मोबाइल में, और जैसे ही हमने हिंदी को सिलेक्ट किया तो हिंदी के पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सुनाया आपके मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है ये। आजकल आपने देखा होगा कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें हम ऑडिबल करके हम बोलते हैं या हमें जो भी लिखा होता है वो सुनाई आता है। लेकिन क्या हो जब आपको कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करना पड़े और आपके मोबाइल फ़ोन में ही ये सुविधा हो कि आप इसको सिलेक्ट करें, एक्सेसिबल करें, और करने के बाद ये आपको हर वो बात सुना कर दे जो आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और इनेबल करके इसका इस्तेमाल कहीं भी जहां आपको रीडिंग करनी हो वहां पर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज भी हमारा कुछ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसे आपका फ़ोन जो है आपको कुछ भी पढ़कर सुनाएगा, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी भाषा हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल में ये सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, और इसको जो है यहाँ पे आपको ये जैसा एक्सेसिबल करके एक हैंड टाइप का दिख रहा है, यही है वो टेक्स्ट टू स्पीच जो आपको पढ़कर और किसी भी भाषा को सुनाता है। हम उसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे, कैसे इसको सेट किया जाता है ये भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है हमें हमारे मोबाइल फ़ोन में जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। आप देख पा रहे होंगे ये है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ जाने के बाद जो है हमें नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है एक्सेसिबल पर क्लिक करना है। एक्सेसिबल पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन रीडर्स, और सबसे ऊपर दे रखा है सेलेक्ट टू स्पीक, हमें इस पर क्लिक करना है। देखिए मेरे मोबाइल फ़ोन में ये ऑन है, मैं इस बार एक बार आपको बंद करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको वो सिंबल जो है बैक स्पेस के पास दिखना बंद हो गया होगा, यहाँ पर जो अभी सिंबल दिख रहा था अभी वो बंद हो गया होगा, वो अभी आपको फिर से दिखेगा जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे। देखिए ये हमने इसको इनेबल किया, ये अलर्ट आया है कि ये आपके मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल करेगा, व्यू करेगा, रीड करेगा। हम इसको अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद देखिए ये सिंबल बना आ जाएगा यहाँ पर, हम इसको गॉट इट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये देखिए ये एक्सेसिबल का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट हो गया है। ऐसे ही सेम आप सभी के मोबाइल में ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है पीछे, हमें कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है हमने ये ऑप्शन ओपन किया, ऑप्शन ओपन करने के बाद देन अब हम इसको सिलेक्ट करके आपको सुनाएंगे। Nadeem Khan, the former Pakistan left-arm spinner, knows how it feels to bowl all day at Joe Root. Khan is the older brother of Mooin. दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आप इसकी सेटिंग्स पे जाके इस बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में भी रीड करता रहे, आप कोई और काम करते रहे, तो आप इसको टैब को यहाँ से इनेबल कर देंगे, अब ये आपके टेक्स्ट को बैकग्राउंड में भी सुनाकर पढ़ाएगा।
आगे दे रखा है सबसे ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है भाषा को चेंज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज देखें, यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें, जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप स्पीच रेट को आगे पीछे कर सकते हैं, आप फास्ट सुनना चाहते हैं, स्लो सुनना चाहते हैं, आप पिच को भी आगे पीछे कर सकते हैं, आप दोबारा इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये रीसेट हो गया है और आप पीछे आएंगे, ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। बैक आने के बाद अब जो है आप किसी भी कंटेंट को यहाँ से सुनेंगे, जैसे हम आपको एक हिंदी का सेंटेंस सुना दें, जैसे ही आप हिंदी का सेंटेंस सुनेंगे, देखिए हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको, ये देखिए 11 साल बाद भारत में सबसे ज्यादा ओवर बल्लेबाजी, इंग्लैंड की टीम ने 190.1 ओवर बल्लेबाजी की। यह 2009 के बाद पहली बार है जब किसी विदेशी टीम ने भारत में 190 ओवर। तो दोस्तों क्या लगा आपको ये सुनकर, और मुझे आशा करता हूँ मैं कि आपको ये एप्लीकेशन बड़ी अच्छी लगी होगी। इसको हम एक्सेसिबल करके बोलते हैं, आपके आइकन, ये जो तीन आइकन होते हैं होम का, नोटिफिकेशन का, बैक का, इसके पास ये ऑप्शन आ जाता है एक्सेसिबल का, और इसका इस्तेमाल करके जो है आप कोई भी कंटेंट को रीड कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये, आप सभी के मोबाइल फ़ोन्स में जो है पहले से ही आती है, इसके लिए आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करना है। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।